राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में 14 आरोपियों में से 11 को दोषी ठहराया गया है, जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार को मथुरा की जिला जज साधना रानी दोषियों पर फैसला सुनाएगी। 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह स्वराज मथुरा कोर्ट पहुंच गए थे। राजा मानसिंह की बेटी दीपा कौर ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। 21 फरवरी 1985 को पुलिस एनकाउंटर में राजा मानसिंह की उस वक्त मौत हो गई थी जब वह चुनाव प्रसार के दौरान डीग अनाज मंडी में थे। मुख्य आरोपी डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 14 पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर के आरोपी थे। 20 फरवरी 1985 यानी एनकाउंटर में से एक दिन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने राजा मानसिंह पर अपनी जोगा गाड़ी से हेलीकॉप्टर और मंच तोड़ने का आरोप लगाया था। इसे लेकर राजा मानसिंह के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। घटना के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। एनकाउंटर के बाद सीबीआई ने मामले में डीएसपी कान सिंह भाटी सहित 14 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र सीबीआई ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद के देखिए कान सिंह भाटी जगराम जगमोहन अमर सिंह हरी सिंह शेर सिंह चत्तर सिंह पद्माराम और रविशेखर मिश्रा, इनको 148 149 302 में सजा हुई है। सजा के प्रश्न पर न्यायालय में कल बहस होगी। 148 149 302 में सजा की है न्यायालय ने, कस्टडी में ले लिया है और सजा के प्रश्न पर न्यायालय में कल बहस होगी। इस सजा से आप कितना संतुष्ट हैं? आप हम न्यायालय के आदेश से संतुष्ट हैं और न्यायालय के आदेश से पूर्ण से संतुष्ट हैं। सजा क्या क्या हुई है? सजा इसमें सजा का सजा के प्रश्न पर कल सुना जाएगा, तब उसके बाद सजा कितनी होगी ये सुना जाएगा। जिन लोगों नाम निकाले गए उनको क्या कहेंगे? तीन लोगों को बरी जो किया गया है उन पर जीटी में एयर फेयर के कागजों को उल्ट फेर का आरोप था। न्यायालय ने उस आरोपों को नहीं माना। उनके नाम है वो हरी किशन, कान सिंह सिरवी और गोविंद राम। वकील क्या आधे खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे आप? जी जरूर करेंगे, अपने पक्ष का रखने के लिए। अगर आप अपील करेंगे मुलजिमान तो बादी निश्चित रूप से वकील करेंगे। सीबीआई भी इसमें हाईकोर्ट में अपील कर ली जाएंगी। सीबीआई के वकील साहब को, सीए शर्मा जी को और मानिक चंद जी को, नीरज को, नितिन को, देवनारायण को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहती हूँ कि इन्होंने तहे दिल से बहुत मेहनत करी इस मुकदमा में। और यही नहीं, वकील जो हमारे मथुरा के भी हैं उनको भी धन्यवाद देना। आज 35 साल बाद ये फैसला आया तो अब किस तरह का महसूस है? हमें खुशी है कि ये फैसला आया। 35 साल कम से कम न्याय तो मिला, बहुत से लोगों को तो न्याय भी नहीं मिलता है। पर जिन लोगों नाम निकाले गए उनको बरी किया गया, उनको क्या कहेंगे? भाई तो उन्होंने गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं करा, तो उनको तो कैसे फंसाया जाए? उनको बरी कराया कोर्ट ने जो। तो क्या अपील में जाएंगे उनके खिलाफ? अब ये उनसे तो सीबीआई देखेगी, वकील से बात करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।